मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इस शहरे अवध से हैं आप, इसकी अदायगी पर तो बस यूं ही इतराइए, आप लखनऊ में हैं जनाब, ज़रा खुलकर मुस्कुराइए। प्रशांत वर्मा जी द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ अपने आप में ही बेहद खूबसूरत हैं और लखनऊ को बखूबी बयां करती हैं। मेरा नाम बरखा है और आप देख रहे हैं लखनऊ का गोमती नगर मेरी नज़रों से। लखनऊ नवाबों का शहर, नवाबों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ का हर एक बच्चा या आप कह सकते हैं टीनेजर खुद को किसी नवाब से कम नहीं समझता है। मैं लखनऊ में ही गोमती नगर के जस्ट सामने रहती हूँ। नहीं समझे ना, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बस इतना जान लीजिए कि मैं लखनऊ से ही हूँ, नवाबों के शहर से। गोमती नगर, गोमती नगर वैसे तो लखनऊ का एक एरिया है, लेकिन अपने आप में ही एक अलग शहर सा जान पड़ता है। अगर आप लखनऊ से हैं तो मेरी इस बात को बखूबी समझ पा रहे होंगे। ये है 1090 चौराहा। गोमती नगर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के साथ साथ पेट पूजा का भी काम करता है। वो कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, यह लियो अपनी कंठी माला। शायद इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सामने चटोरी गली बनाई गई है। यहाँ आपको हर तरह के पकवान, जिन्हें हम बड़े चाव से खाते हैं और कहते हैं स्ट्रीट फूड, मिल जाएगा। स्वाद में लाजवाब। लखनऊ के नवयुवकों की ये मनपसंद लेन है, क्योंकि यहाँ पर भरपेट भोजन के साथ साथ स्वाद भी मिलता है और आपको सुकून भरी गलियाँ भी। तो अगली बार जब भी आप लखनऊ घूमने आए तो 1090 की गली ज़रूर आए। मैं गारंटीड बोलती हूँ, यहाँ पर आपको आपके बजट में खाना और बजट से भी ज़्यादा के मज़े मिलेंगे। और अगर आप दोस्तों के साथ आए हों तो क्या ही कहने, यहाँ पर आकर दोस्तों के साथ चटकारे लेकर खाने में जो मज़ा है वो किसी 5 स्टार में नहीं मिलेगा। गॉसिप के साथ चाट, अब कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ की हर एक चीज़ जितनी देखने में खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट भी। लखनऊ तो वैसे भी अपने खाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो क्यों ना आप भी एक बार इन गलियों से रूबरू हों और यहाँ के स्वाद को चखें। तो चलिए इस चाट के मज़े लिए जाएं। हर जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट हमारे लखनऊ या यूँ कहें कि यूपी में इसे चाट या टिक्की बोला जाता है। आपके यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये पसंद है या नहीं ये भी ज़रूर बताएं। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है और साथ में बताशे भी मेरे फेवरेट हैं। स्ट्रीट फूड में आपका क्या फेवरेट है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कभी 1090 आना हुआ है तो 1090 में सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है खाने में, वो भी ज़रूर बताइएगा। क्या पता मैंने ना ट्राई किया हो तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। वैसे तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे यहाँ की पाव भाजी भी बहुत पसंद है। क्या आपने कभी यहाँ की पाव भाजी खाई है? नहीं खाई है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर खाइएगा। दोस्तों के साथ लखनऊ घूमने का अपना ही एक मज़ा है। अगर आपने लखनऊ में रहकर यहाँ की शाम को नहीं जिया तो क्या किया।
मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमारा कॉलेज बंद हो रहा था तो हम सब दोस्त मिलके यहीं आए थे। तभी जब हम दोबारा से मिले, हमने सोचा क्यों ना दोबारा से यहीं का रुख किया जाए और यहाँ आके उन पुरानी यादों को याद किया जाए, जो कि बेहद खूबसूरत भी थी और यादगार भी। अगर इसी तरह आपकी भी कोई 1090 यानी कि चटोरी गली या लखनऊ की किसी और जगह से जुड़ी कोई याद हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। लखनऊ अपनी शाम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शाम को यहाँ के नज़ारे तो मानो गोमती नदी में आसमान के सारे तारे उतर आए हों। रिवर फ्रंट अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देता है कि अगर आप दिन भर के थके हारे कहीं सुकून ढूंढना चाहते हो तो यहीं आइए, एकांत में नदी की खामोशी को सुनिए। और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक दो तस्वीरें भी ज़रूर लेके जाइए और मुझे इंस्टा पे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है barkha_Tripathi। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।